उत्तर पूर्वी जिला मुख्यालय की टीम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास से होंडा सिटी कार से 42 लाख रुपए बरामद किए। कार सवार एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पैसा कहां से आया इस बात की जांच की जा रही है। दरअसल उत्तर पूर्वी जिला प्रशासन की टीम ने मॉरिशस नगर थाना इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार से 42 लाख रुपए बरामद किए, जिसमें 500 और 2000 के नोट बताए जा रहे हैं। टीम ने गाड़ी को जब्त कर थाना पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार में मौजूद महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए लोगों से आयकर विभाग भी पूछताछ कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इन रुपयों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में होना था। पैसा दिल्ली से बाहर ले जाया जा रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला अधिकारी व चुनाव अधिकारी शशि कौशल ने बताया कि देश भर में आचार संहिता लागू है। और क्या कुछ बताया आप स्वयं सुनिए। हमने छात्रा मार्ग पर यूनिवर्सिटी के पास जो है वहाँ पर से 42 लाख का कैश बरामद किया, जो कि एक होंडा सिटी जा रही थी। होंडा सिटी को हमारी SST टीम ने रोका और उसमें से एक बैग निकाला। बैग में से देखा तो उसमें 42 लाख रुपए थे। हमने उसको सीज किया, टैक्स को और पुलिस को सौंपा है। इनकम टैक्स को पैसा दिया और इनकम टैक्स को ये भी कहा है कि इसके आगे इन्वेस्टिगेशन करें और बताएं कि क्या है ये, और पुलिस से भी ये पूछा है कि इस पैसे का क्या इस्तेमाल होना था। आज जो कि MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो इतना बड़ा अमाउंट कोई ले जा नहीं सकता। ऐसा कुछ पता नहीं कि कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली के ही बता रहे हैं। 500 की और 2000 के नोट। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही नोट हैं जो प्रशासन की सतर्कता के बाद पकड़े गए। दिल्ली में चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत इतनी भारी तादाद में नोट पकड़े गए। इसमें हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम थी, वो छात्रा मार्ग के पास एक होंडा सिटी को रोका और उसमें से एक बैग मिला। 3 लोग थे वहाँ पे, 42 लाख रुपए कैश में रिसीव हुआ। उसके बाद हमारी टीम ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलाया और यहाँ ऑफिस में पैसों की गिनती वगैरह की गई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने हैंडओवर कर दिया वो अमाउंट सीज करके। और रिटर्निंग ऑफिसर मैडम ने पुलिस से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा हुआ है कि कैश का सोर्स बताएं कि कहाँ से निकाला गया कैश, इसका ओनर कौन है और ये किस पर्पस के लिए यूज होने वाला था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ये इसकी हमने रिपोर्ट ऊपर चुनाव आयोग को भेजी है, CEO ऑफिस में भेजी है और जैसे ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है हम पे फर्दर एक्शन लेंगे और जैसा भी चुनाव आयोग को हम इन्फॉर्मेशन करेंगे और फर्दर जो उनकी डायरेक्शन होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने जांच के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पैसा अवैध रूप से चुनाव में प्रयोग होने के लिए आया था या फिर कोई अन्य कारण है। संदीप कुमार के साथ प्रिंस सोलंकी, तेज निगाहें दिल्ली।